दोस्तों आज करोड़ों में खेलते हैं ये बॉलीवुड स्टार्स, लेकिन क्या आप जानते हैं इनकी पहली सैलरी कितनी थी? तो आज हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे। पहली कमाई हर किसी इंसान के लिए बेहद खास होती है। चाहे कोई भी इंसान कितने ही रुपए क्यों न कमाए, उसकी यादों में पहली सैलरी हमेशा ही यादगार और स्पेशल रहती है। यही वजह है कि पैसे कमाने से पहले ही कई लोग तो अपनी पहली सैलरी को लेकर ख्वाब भी सजाने लगते हैं कि उस रकम से वो क्या खास करने वाले हैं। आज अपनी इसी स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बॉलीवुड सितारों की पहली कमाई के बारे में बताने जा रहे हैं, जो भले ही आज करोड़ों रुपए कमाते हैं मगर उनकी पहली कमाई बेहद हैरान कर देने वाली है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं स्टार्स की पहली सैलरी के बारे में। आमिर खान। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अपनी फिल्मों के जरिए 100, 200 और 300 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस क्लब का ट्रेंड सेट किया, मगर उनकी पहली कमाई महज 100 रुपए थी। ये पैसे उन्हें अपने पिता और चाचा की फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के रोल के लिए मिले थे। शाहरुख खान। किंग ऑफ रोमांस यानी शाहरुख खान की पहली सैलरी जानकर तो आप हैरान ही हो जाने वाले हैं। उनकी पहली कमाई सिर्फ 50 रुपए थी, जो उन्होंने ताजमहल देखने के लिए खर्च कर डाली थी। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार फिल्मों में आने से पहले बैंकॉक में एक शेफ और वेटर के तौर पर काम करते थे। यहाँ उन्हें बतौर सैलरी महज 1500 रुपये मिला करते थे। प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकी अदाकारा प्रियंका चोपड़ा की पहली सैलरी जानकर आपको हैरानी होगी। उनकी पहली कमाई 5000 रुपये थी। एक इंटरव्यू में अदाकारा ने बताया था कि ये पैसे उन्होंने अपनी माँ को दिए थे। ऋतिक रोशन। देश की धड़कन ऋतिक रोशन ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत चाइल्ड एक्टर के तौर पर की थी। उनकी पहली फिल्म के लिए उन्हें महज 100 रुपए मिले थे। इस पैसे से क्रिस स्टार ने खिलौने वाली कार खरीदी थी। रोहित शेट्टी। नामी एक्शन फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी किसी वक्त निर्माता कुकू कोहली को असिस्ट करते थे, जहां रोजाना उन्हें महज 35 रुपए मिला करते थे। अमिताभ बच्चन। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने जब फिल्मों की दुनिया में कदम रखा था तब वो कोलकाता की एक शिपिंग फर्म में काम करते थे। फिल्मों में बतौर हीरो शुरुआत करने के लिए उन्होंने वो नौकरी छोड़ी, तब जाकर फिल्म सात हिंदुस्तानी मिली थी। उनकी इस पहली नौकरी में 500 रुपये मेहनताना मिला करता था। धर्मेंद्र। सदाबहार अभिनेता धर्मेंद्र की पहली फिल्म साल 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे थी। क्या आप जानते हैं इस फिल्म के लिए उन्हें केवल 500 रुपए बतौर फीस मिली थी। इमरान हाशमी। इमरान हाशमी ने एक इंटरव्यू में अपनी पहली सैलरी के बारे में बात करते हुए खुलासा किया था कि जब वो 7 साल के थे तब उन्होंने एक ऐड में काम करके पहली बार 2500 रुपए कमाए थे। मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी ने थिएटर के दिनों में नामी थिएटर डायरेक्टर बैरी जॉन को असिस्ट किया था, जिसके बाद उन्हें 1200 रुपए बतौर वेतन मिले थे। रणदीप हुड्डा। हाईवे स्टार रणदीप हुड्डा एक्टर बनने से पहले ऑस्ट्रेलिया के एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में काम करते थे, जहां उन्हें सैलरी के तौर पर महज $8 यानी करीब 550 रुपये मिला करते थे।